अस्सलाम वालेकुम नॉलेज ऑनलाइन में सब दोस्तों को खुश आमदी। आज की क्लास में हम लोग 3D कमांड्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि किस तरह अपनी जो कमांड्स हैं या अपना जो 3D वर्क है वो ऑटोकैड के अंदर कर सकते हैं। तो ये इंटरफेस आप लोगों ने पहले देखा हुआ है जो कि हमने काम करते रहे हैं 2D के अंदर। तो जब हमने 3D के अंदर करना है तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास वर्क स्पेस आता है, ठीक है जी। तो वर्क स्पेस से हमने इसको क्या कर लेना है, 3D मॉडलिंग में ले जाना है। 3D बेसिक भी बिल्कुल वही चीज़ें होती हैं, लेकिन 3D मॉडलिंग में कुछ एक्स्ट्रा कमांड्स आ जाती हैं जो कि ज़्यादा यूज़फुल होती हैं। तो हम 3D मॉडलिंग ही करेंगे, 3D बेसिक नहीं करेंगे। और यहाँ से भी हम लोग वर्क स्पेस चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर अगर आप लोग आ जाएँ तो यहाँ पर भी आपके पास वर्क स्पेस की ऑप्शन होती है। तो आप यहाँ से वर्क स्पेस को क्या कर सकते हैं, 3D मॉडलिंग में कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर नहीं आ रहा तो आप सिंपल ये जो आपके पास साइड पे है तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास वर्क स्पेस पिकिंग होगी। तो आप इसको ऑफ करेंगे तो यहाँ से देखेंगे हमारे पास वो गायब हो चुका है। तो आपने यहाँ से इसको ऑन कर लेना है अगर आपके पास ऑन नहीं है। और यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं, और उसके अलावा यहाँ से भी वर्क स्पेस चेंज कर सकते हैं। यहाँ से नहीं आ रहा तो आप लोग यहाँ से वर्क स्पेस को एक्टिवेट या ऑफ कर सकते हैं। ऑन ऑफ आप यहाँ से भी कर सकते हैं वर्क स्पेस को, और उसके अलावा यहाँ से भी आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ से वर्क स्पेस को चेंज करना है। तो वर्क स्पेस को हम कर लेते हैं 3D मॉडलिंग के अंदर। ये देखें 3D मॉडलिंग के अंदर किया तो हमारे पास ये जो रिबन था वो चेंज हो चुका है। अब हमारे पास 3D की कमांड शो होने लग चुकी हैं। सबसे पहले मॉडलिंग है, मैश है, सॉलिड एडिटिंग, ड्रा, ये कुछ 2D की हमारे पास आ जाती हैं। कुछ उसमें इस तरह ये हमारे पास 3D पॉलीलाइन है, ये बीच में ऐड है। मॉडिफाई में हमारे पास यहाँ पर कुछ चेंज आ जाती है, कुछ 3D के यूज़, 3D मिरर आ जाता है हमारे पास, 3D अलाइन आ जाता है। इस तरह हमारे पास यहाँ पे गिज़्मो टूल आ जाते हैं, 3D मूव, 3D रोटेट और 3D स्केल। तो इस तरह मतलब कुछ वही हमारे पास है, कुछ चेंज हो जाती है इन दो के अंदर। यहाँ पे हमारे पास सेक्शन प्लान आ जाता है, उसके अलावा कोऑर्डिनेट्स के रिलेटेड यहाँ चीज़ें आ जाती हैं, हमारे पास व्यू से रिलेटेड यहाँ चीज़ें आ जाती हैं, सिलेक्शन वगैरह आ जाती है हमारे पास यहाँ पर। बाकी वही लेयर, ग्रुप और व्यू जो हमने अपने 2D के अंदर पढ़ा था, ठीक है जी। तो कुछ आगे हमारे पास ये टैब्स आ जाते हैं, तो वो फर्दर हम लोग देखते जाएंगे। तो जब भी आपने 3D में काम स्टार्ट करना है, फर्ज़ कर हम 2D को प्लान कंप्लीट कर लिया हुआ है, या वैसे ही 2D की ड्राइंग को 3D में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप लोग यहाँ से क्या करेंगे, 3D मॉडलिंग को चेंज करेंगे। जो आपके पास था ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन, वहाँ से आप स्विच कर देंगे किसके अंदर, 3D मॉडलिंग के अंदर। 3D मॉडलिंग के अंदर करने के पास अब यहाँ पे आप लोगों को पता है कि हमारे पास 2D के अंदर दो एक्सिस काम कर रहे होते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, लेकिन 3D के अंदर हमें तीन एक्सिस चाहिए होते हैं। हमें उसकी लेंथ भी चाहिए, विड्थ भी चाहिए और हाइट भी चाहिए होती है, यानी कि एक्स वाई और जी एक्सिस। तो उसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ से भी आप लोग चेंज कर सकते हैं व्यू, उसके अलावा आप लोग यहाँ से भी उसको जो अनसेव्ड व्यू में जाके आप लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग इस पर आ जाते हैं, आप साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक कर सकते हैं, साउथ ईस्ट आइसोमेट्रिक कर सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट आइसोमेट्रिक कर सकते हैं, या नॉर्थ वेस्ट आइसोमेट्रिक कर सकते हैं। उसके अलावा आप लोग कुछ टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, फ्रंट, बैक भी किसी भी ऑब्जेक्ट का देख सकते हैं। तभी स्टार्ट में हम लोग बेशक यहाँ से आइसोमेट्रिक कर लें, या यहाँ पर भी आप लोग अगर आते हैं तो आपके पास यहाँ पर भी उसका वो जो व्यूज़ हैं वो शो होने लग जाएंगे। तो मैं यहाँ से क्या कर लेता हूँ, साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक कर लेता हूँ। ये देखेंगे मेरे पास ग्रिड भी चेंज हो चुका है, और ग्रिड चेंज होने के बाद मेरे पास यहाँ पे जो जी एक्सिस है वो भी आ चुका है, यानी कि अब मेरे पास जो उसकी लेंथ भी आएगी, विड्थ भी आ जाएगी, और तीसरी उसकी हाइट भी आ जाएगी। तो आपने याद रखना है कि सबसे पहले आपके पास यहाँ से उसको व्यू चेंज कर लें, उसके बाद यहाँ पर हमारे पास कुछ विजुअल स्टाइल होते हैं। तो विजुअल स्टाइल में हमारे पास 2D वायर फ्रेम, कंसेप्चुअल, हिडन, ये काफ़ी सारे आ जाते हैं, ये हम फर्दर आगे जाके इसके बारे में भी देखते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या कर लेना है कि फ़र्ज कर लें कि बस इस साइड पे भी आ जाते हैं, ये हमारे पास ऑर्बिट होता है जिसमें हम उसको रोटेट करके तो अपनी जो भी आपने ड्राइंग बनाई हुई है उसको रोटेट कर सकते हैं। हमारे पास WCS होता है, ठीक है जी। और उसके अलावा यहाँ पर हमारे पास एक पेन आ जाता है और ऑर्बिट आ जाता है, इसका यूज़ भी हम लोग साथ साथ देखेंगे। तो फ़र्ज़ कर लें कि यहाँ पर मैं एक कोई भी शेप बना लेता हूँ। तो बाकी चीज़ें हमने वही करनी है जो आपने यूनिट सेट करते हैं, लिमिट सेट करते हैं, डिमेंशन जो आप सेटिंग करते हैं, सारी सेटिंग आपकी वैसे ही होंगी। तो मैं जल्दी से यहाँ से क्या कर लेता हूँ, यूनिट सेटिंग कर लेता हूँ, और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं
लिमिट सेट कर लेता हूँ, LIM एंटर किया मैंने, इस तरह आप लोग 2D ड्राइंग के अंदर करते थे। तो यहाँ पे भी आपने सेम वैसे ही लिमिट और यूनिट सेट करनी है, और यूनिट और लिमिट सेट करने के बाद आपने अपना काम स्टार्ट कर देना है। तो डिमेंशन भी वो आगे जाकर पढ़ेंगे, थोड़ी सी चेंजिंग है 3D में डिमेंशन लेने की। जैसे आपने देखा था कि आइसोमेट्रिक के अंदर ड्राइंग के अंदर हम थोड़ी सी चेंजिंग करते हैं अपनी डिमेंशन लेने के लिए, बाकी मेथड सेटिंग हर चीज़ वही होता है, वही कमांड यूज़ होती हैं, लेकिन थोड़ी सी हमने सेटिंग चेंज करनी होती है। तो आइसोमेट्रिक ड्राइंग अगर आपने नहीं देखी हुई तो आप लोग दूसरे आपका जो इसमें ग्रुप बना हुआ है आइसोमेट्रिक ड्राइंग का जो प्लेलिस्ट है वहाँ से आप देख सकते हैं। बाकी फर्दर आगे जाके हम लोग 3D डिमेंशन के बारे में भी पढ़ेंगे। तो अभी स्टार्ट कर लेते हैं, मैं यहाँ से एक बेशक पॉलीलाइन ले लेता हूँ, मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल ड्रा कर लेता हूँ। F8 की मदद से मैंने लाइन स्ट्रेट की, मैं 12 फीट, और उसके बाद इस तरफ मैं ले आता हूँ जी, उसको मैं 11 फीट कर लेता हूँ। इस तरफ मेरे पास 12 फीट था और इस तरफ मेरे पास 11 फीट था, ठीक है जी। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। तो अब मैंने क्या करना है, इसको मैंने 3D के अंदर कन्वर्ट करना है, इसकी मैंने हाइट देनी है। ये मेरे पास लेंथ आ चुकी है और विड्थ आ चुकी है, तो इसको देने के लिए हमारे पास मुख्तलिफ टूल्स होते हैं जो फर्दर पढ़ेंगे भी। अभी हम इसकी सिर्फ जो चीज़ें हैं कि 3D में कन्वर्ट करने के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं वो देखेंगे। यहाँ से मैं एक्सट्रूड कमांड को लेता हूँ, मैं ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, एंटर करता हूँ, तो ये देखेंगे मेरे पास वो मुझसे कह रहा है कि आप मुझे हाइट दें, तो बताएं कि उसको हाइट कितनी चाहिए। फ़र्ज कर लें कि मैं 16 फीट उसको हाइट देता हूँ। ये देखें मेरे पास क्या आ चुका है, वो एक 3D का ऑब्जेक्ट आ चुका है, ठीक है जी। लेकिन यहाँ पे क्या है कि वायर फ्रेम है, सिर्फ उसका वायर स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, उसकी लाइंस नज़र आ रही हैं कि मेरे पास 3D है। अगर तो मुझे वायर फ्रेम को मैं देखना है तो विजुअल स्टाइल में वायर फ्रेम रहने दूंगा, 2D वायर फ्रेम। अगर मुझे कंसेप्चुअल चाहिए तो मैं यहाँ से उसको कंसेप्चुअल चेक कर दूंगा, तो ये देखेंगे मेरे पास यहाँ से चेंज हो चुका है। इसी तरह अगर मैं यहाँ से हिडन पे आ जाता हूँ तो मेरे पास जो फ्रंट पे लाइंस आ रही हैं सिर्फ वो शो होगी, जो बैक साइड होगी सारी ऑब्जेक्ट की वो हाइड हो जाएगी। इसी तरह यहाँ से आपने रियलिस्टिक कर लेना है, तो आपको जिस तरह का वो किकी नज़र आए। रियलिस्टिक हमारे पास ज़्यादा काम आता है, यहाँ पर ज़रूरी होता है, वो होता है जब हम मटेरियल अप्लाई करते हैं। मटेरियल जब तक रियलिस्टिक नहीं होगा आप प्रॉपर मटेरियल की आपको लुक नज़र नहीं आएगी। तो ये आपने याद रखना है कि जब भी आप इसके ऊपर मटेरियल अप्लाई करें तो आपका यहाँ से विजुअल स्टाइल रियलिस्टिक होना चाहिए। इसी तरह फिर शेडिड आ जाता है, और उसके अलावा आप एजेज शेडिड विद एज आ जाते हैं, यहाँ से उसको जो एज हैं वो थोड़े से नुमाया हो जाते हैं। इसी तरह शेड्स ऑफ ग्रे के अंदर थोड़ा सा उसको उसका स्टाइल जो है डिफरेंट हो जाता है। स्केचिंग के अंदर वो एक मजीद जिस तरह आप स्केचिंग करते हैं फ्री हैंड, जो आपकी ड्राइंग होती है फ्री हैंड स्केचिंग जो होती है, स्केचिंग की तरह का आपके पास यहाँ पे व्यू आने लग जाता है स्केचिंग के अंदर। इसी तरह आप वायर फ्रेम आप चाहते हैं तो वही वायर फ्रेम 2D वायर फ्रेम की तरह तकरीबन मिलता जुलता होता है। इस तरह आप एक्सरे के अंदर करना चाहते हैं तो आपके पास एक एक्सरे की तरह का हमारे पास आ जाता है। तो यहाँ से भी मैं इसको क्या कर लेता हूँ, मैं फर्ज कर रहे हैं रियलिस्टिक रहने देता हूँ। तो ये मेरे पास रियलिस्टिक आ चुका है। तो ये दो चीज़ों की आपको समझ आ गई होगी कि आपने उसका व्यू देखना है कौन सी साइड देखनी है। इसी तरह आपने उसका टॉप देखना है तो उसका टॉप आ जाएगा। आपने यहाँ से कोई उसका बॉटम देखना है साइड देखनी है तो सिंपल साइड आ जाएगी। आपने आइसोमेट्रिक देखना है तो आपके पास वो आइसोमेट्रिक व्यू आ जाएगा, ठीक है जी। अब अगर आपके पास इस तरह आ जाता है तो आपने क्या करना है कि आपने UCS एंटर करना है और डबल एंटर कर देना है। यहाँ आप यहाँ से क्या कर देंगे कि वर्ड को अप्लाई कर देंगे, ठीक है जी। वर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपके पास जो आपका वो कोऑर्डिनेट है वो अपने कॉर्नर पे चला जाएगा और आपके पास जो ग्रिड है वो उसकी बेस पे आ जाएगा। तो ये आपने ध्यान रखना है, ये प्रॉब्लम अक्सर आ जाती है तो फिर इससे वर्किंग में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। और इसके बाद आपने अगर रोटेट करना है तो आप यहाँ से इसको ऑर्बिट को से भी रोटेट कर सकते हैं, यहाँ से भी रोटेट कर सकते हैं, जैसे आपको इजी लगे आप उसकी मदद से उसको रोटेट कर सकते हैं। यहाँ से ऑर्बिट के साथ सेलेक्ट करेंगे और उसके अलावा आप क्या करेंगे, यहाँ से इसको माउस को साथ जो आपका लेफ़्ट क्लिक है आप उसके साथ इसको मूव करके किसी साइड से भी देख सकते हैं। अगर आपने यहाँ से कमांड से बाहर नहीं आना, आप उसके ऊपर की वर्किंग कर रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि शिफ्ट के साथ जो आपके माउस का कर्सर है उसको प्रेस करके भी आप उसका अपने ऑब्जेक्ट को मूव करके किसी डायरेक्शन से देख सकते हैं। जो नॉर्मल हमारे लिए ज़्यादा इजी भी होता है और ज़्यादा यूज़ होता है वो यही होता है कि आप शिफ्ट प्रेस करके रखते हैं और साथ ही अपने जो आपका माउस व्हील होता है उसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, उसको रोटेट कर लेते होते हैं, ठीक है जी। और दोबारा अगर आपने कस्टम पे नहीं जाना, आइसोमेट्रिक पे आ जाना, तो यहाँ से दोबारा आइसोमेट्रिक से आप आ सकते हैं।
तो ये आपने कुछ बेसिक्स थी कि आपने 3D के अंदर कोई जो सेटिंग थोड़ी सी करनी है वो कौन सी है, अगर यहाँ से आपने आइसोमेट्रिक के अंदर आ जाना है, रियलिस्टिक के अंदर आ जाना है, यानी कि उसका व्यू और विजुअल स्टाइल जो है वो चेंज कर लेना है। बाकी आपके पास यहाँ पे उसका जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आ जाएंगे एक्स वाई और जी। क्लियर है जी? तो इस तरह आप लोग कमांड किसी मदद से सिंपल तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपनी 3D ड्राइंग को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो लेक्चर लंबा ना हो जाए, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल के लेक्चर में हम लोग जो अगला लेक्चर हमारा होगा उसके अंदर हम लोग प्रिमिटिव्स के बारे में पढ़ेंगे कि ये जो हमारे पास सारे प्रिमिटिव्स आ जाते हैं, जो आर्टिफिशियल हमारे पास कुछ बनी बनाई चीज़ें हमें मिल जाती हैं वो कौन कौन सी हैं, उनको किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो अगले लेक्चर में हम लोग इंशाल्लाह इसके बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, इंशाल्लाह होती है अगले लेक्चर में मुलाकात। अल्लाह हाफिज़।